के न्यूज़, खबरों की नई पहचान। पिता ने बेटी को बेचने का किया प्रयास। मामला है धनबाद के जोरा पोखर थाना क्षेत्र के डिगवाडी के रहने वाले विजय शाह के घर। बिहार के बरबीघा के रहने वाले कुछ लोग आए हुए। घर में सुबह से सब कुछ सामान्य चल रहा था, सब कोई खुश थे, माँ भी, पिता भी और बच्चे भी। बिहार से आए लोग भी खुश थे और हर किसी के चेहरे पर खुशियाँ झलक रही थी। बेटी सबके साथ हंस खेल कर बातें कर रही थी। अचानक लड़की को किसी बात की भनक लग गई और एकाएक घर का माहौल ही बदल गया। जब लड़की को पता चला कि यह कोई रिश्तेदार नहीं बल्कि खरीदार है और मुझे खरीदने आए हैं, तब लड़की को इस बात की भनक लगी तो उसके पैरों तले ज़मीन घिसक गई और लड़की चिल्लाने लगी और घर से भागने का प्रयास करने लगी। लड़की की चिल्लाहट सुन आसपास के लोग घर आ पहुँचे। तभी लड़की ने सारी बात लोगों को बता दी और लड़की की बातें सुनकर स्थानीय लोग हैरान हो गए और इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही जोरा पोखर पुलिस अपने दल बल के साथ पहुंची और लड़की की बातें सुन लड़की के माता पिता एवं बिहार से आए लोगों को थाना ले गई और जांच में जुट गई। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस से मांग की है कि वैसे लोगों पर पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और क्या कोई पिता ऐसा कर सकता है? अपनी ही बेटी को किसी दूसरे के हाथ बेच सकता है? कहना मुश्किल है। आज का समय कुछ भी हो सकता है या कोई वजह भी हो सकती है, कहना मुश्किल है। और यह सच है कि एक पापे पिता ने अपनी ही बेटी का सौदा कर डाला। हमारे बस्ती डिगवाडी मांझी बस्ती में एक घटना घट गई थी। एक परिवार के एक सौतेली माँ अपनी बेटी को बाहर ले जाकर बेचने के क्रम में बाहर से कुछ लोगों को, जिसमें दो पुरुष और तीन महिला जो शायद बिहार बरबीघा के रहने वाले हैं, उनको बुलाकर अपनी सौतेली बेटी को बेचने का प्रयास कर रहे थे। एक सप्ताह पहले भी हमको ले जा रहा था तो दिल्ली बेचने के लिए। हमें तो खाली बोले कि हम नहीं जाएंगे, तो हमको सबको इन लोग को हमको लोग मारने लगे। पापा आज क्या हुआ था? आज हम लोग सो रहे थे और इन लोग घर में आ गई, पूरा बोली चलो चलो तुमको ले जाएंगे बेचने के लिए। हम खाली बोले कि हम नहीं जाएंगे, तो ये लोग मेरे बड़ी में छोटी में हमको बचाने लगे, तो ये लोग पूरा मारने लगे पूरा घर में।